Hello guys, welcome to my channel. Today I'll be show you how to connect mobile hotspot to proper Wi-Fi router. Let's get started. पहले आपको CMD ओपन करना है, Windows Plus R करके रन में आके टाइप करना है CMD एंड ओके। उसके बाद आपको जाना है आईपी कॉन्फिग, आईपी कॉन्फिग टाइप करना है, उसके बाद एंटर डालना है। और आपका जो ना गेटवे होता है डिफॉल्ट गेटवे, वो गेटवे आपको देख लेना है 192.168। उसके बाद आपको टाइप करना है 192.168.0.1 देन एंटर। उसके बाद आपको जाना है वायरलेस में, वायरलेस में जाके आपको WDS चूज़ करना है। और पहले से आप आपका फ़ोन का मोबाइल में हॉटस्पॉट ऑन करके रखिए, क्योंकि आपका सबसे नज़दीक हॉटस्पॉट ऑन करें। मेरा हॉटस्पॉट है ना, हॉटस्पॉट का नाम है सैमसंग गैलेक्सी J7। तो मैंने अभी रुके थोड़ा, अभी मैंने ऑन किया। उसके बाद मैंने सिंपली सर्वे में क्लिक करेंगे, देखिए मेरा सबसे नज़दीक है सैमसंग गैलेक्सी J7, उधर जाके आपको कनेक्ट करना है एंड WPA चूज़ कर लेना है की टाइप में। एंड उसके बाद आपको पासवर्ड देना है, मैंने पासवर्ड ही दे दिया। उसके बाद सेव करना है, क्लिक ओके। लेकिन अभी अब लोग मत रिबूट मत करना, ठीक है। उसके बाद आपको जाना है DHCP में, आपका जो एनेबल है उसको डिसेबल कर देना है। उसके बाद सेव करना है, उसके बाद आप रिबूट कर लीजिए। रिबूट होने के बाद आपको दिखाता हूँ मेरा नेट चलता है क्या नहीं चलता है। चलिए देखते हैं मेरा नेट ऑन हुआ क्या नहीं। मैं अभी गूगल पे जाऊँगा, हाँ गूगल आ चुका। उसके बाद यूट्यूब, हाँ आ चुका। तो देख रही है आप, कम कर रहा है मेरा नेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।